अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नई सुबह नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ आज हम नई रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें हम आज आपको बलोची कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। आए हम आपको बताते हैं बलोची कढ़ाई में बनाने में क्या क्या रेसिपी यूज़ होती है। आए इसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, ठीक है। इसके लिए हमें दही चाहिए, ये अदरक, इसको इस तरह गार्निश कर लेना है। ये 4 हमें ये रेड चिली चाहिए, जिसमें आप ये लाजिम नहीं है कि रेड कलर की ले रहे हैं कि ग्रीन कलर की, सब्ज़ मिर्च कोई सी भी आप ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। अब स्पाइसेस में जी दोस्तों, स्पाइसेस में हम आते हैं 1 टीस्पून सूखी मेथी है, 1 टीस्पून जीरा है, 8 टीस्पून ब्लैक पेपर है, और किसी भी कंपनी का आप 1.5 टीस्पून जो है हमने ये उसका कढ़ाई मसाला ले लेना है। 1/2 टीस्पून हमारे पास दादर मिर्चें हैं, और ये है हमारे पास पीसी हुई लाल मिर्चें जो है, ये भी 1/2 टीस्पून है, और 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। आए नाजिन, अब हम आपको बनाना सिखाते हैं बलोची कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। जी दोस्तों, अब हमने ये देखें चूल्हे को चला लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया है, अपने चिकन लिया था वो हम साथ ही डाल दिया, क्योंकि हमने इसको साथ इसलिए डाल दिया, ऑलरेडी हमने ऑयल को गर्म कर लिया हुआ था, तो थोड़ा सा फ्राई सा कर लेंगे। और साथ ही इसके हमने ये जो रेड से हमने ली थी, ये ग्रीन और रेड ये डाल देंगे। अब ये जो मिर्चें जो हैं उसको हमने इतना कि इसके अंदर पकाना है पहले कि जितना इसमें वाइट पन आ जाए, जब वो आ जाएगा तो फिर आपने इसे मिर्चें निकाल देनी है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसका चिकन का कलर भी वाइट हो गया और ये भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिर्ची हमने डाली थी इसको अब हम निकाल लेंगे। अब हम जो है जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको ऐड कर देंगे। इससे क्या गोश्त की जो खमक वगैरह वो भी निकलती हैं और जायका भी अच्छा आता है चिकन हर चीज़ में। अब फ्लेम को थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे। आप ही इसको ट्राई कीजिएगा और देखिएगा एक यूनिक जायका आप निकलता है इसका, और बहुत अच्छी लगती है ये। और आप लोगों ने भी इसको ट्राई करके लाजिम मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी आप ये बनी है। और आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को भी देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स में भी इसको शेयर करें। बस हम इतना आपके लिए करते हैं, और आपसे हम अपने लिए इनाम जो है सब्सक्राइबर वो मांगते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब जो है जो जितने भी हमारे जो है इसमें स्पाइसेस, से पहले हम ये दही, 1 टेबल स्पून 12 से 13 आपने इसके अंदर डाल देना। इसके बाद इसको तो कीजिएगा, और इसके बाद आपके जितने जो स्पाइसेस थे जिसमें ये देखें, ये दोबारा अगेन देखें, ये जो सारे आपके स्पाइसेस हैं ये आप इसके अंदर डाल दें।
अब इसको जो है आप 5 से 10 मिनट के लिए हाफ फ्लेम में रख दें, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और जो ये जो मिर्ची थी इसको अब हम इसमें डालेंगे, ठीक है, और एक आधे मिनट के लिए और हमने रखना है, और अब इसको हम सर्विंग के लिए रखते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें हमारी ये बलूची कढ़ाई रेडी है ऑलरेडी। ये मैंने जो ये अदरक के जो गार्निश किए हुए थे उसको डाला, और ये हम कर देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इसको ट्राई करें, ठीक है, और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपसे कैसी बनी है, और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपके ताउन की ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।